हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक जनरल नॉलेज के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें जो स्टोरेज होता है, जैसे इंटरनल स्टोरेज वगैरह पूरा फुल हो जाता है, फिर आपका कैमरा या आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहो तो वो नहीं हो पाता, तो वो तीन तरीके से आप उस फ़ोन को क्लीन कर सकते हो, पहले जैसे बना सकते हो। फिर उनका कैमरा भी ऑन हो जाएगा, फ़ोन स्पीड में चलेगा और फ़ोन का मतलब सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो तीन तरीका कौन सा है मैं मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप तीन तरीके से कर सकते हो। जैसे कोई सैमसंग फ़ोन में क्या है, सैमसंग की तरफ से जो फाइल मैनेजर है उसमें अगर आप जाओगे, जैसे EMI फाइल से, इसमें दो स्टोरेज होता है कि इंटरनल स्टोरेज, एक SD कार्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो फर्स्ट है तो इसमें इंटरनल सैमसंग गैलेक्सी A20S ऐसे कुछ नाम है इस फ़ोन का, तो इसमें अभी इंटरनल स्टोरेज इसमें 64 GB है और 22 GB का ये दिखा रहा है, तो इसमें SD कार्ड नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अगर इसको फ़ोन को आप स्मूथली चला सकते हो तो क्या है, आपको जो इंटरनल स्टोरेज में जितने सारे फ़ोटो वगैरह से गैलरी में जितना फ़ोटोज है, वीडियो है या डॉक्यूमेंट है, आप क्या करते हो, एक SD कार्ड आपका फ़ोन में यूज़ करना। इसमें SD कार्ड नहीं है, SD कार्ड यूज़ करके आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो सारे SD कार्ड में। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इसमें ट्रांसफ़र करोगे तो आपका इंटरनल स्टोरेज जो एकदम खाली हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका फ़ोन का स्पीड बढ़ जाएगा और आपका जो कैमरा वगैरह जा रहे सारे कुछ चलने लगेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा है, अगर आप सेटिंग में जाते हो, दूसरा है आपका जो फ़ोन का ऐप है, फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट ऐप है, जैसे आप ऐप में जाओगे, जैसे ये हर ऐप में, जैसे अमेज़ोन है, मैं एक ऐप खोल के आपको दिखा देता हूँ, जो इसमें स्टोरेज होता है, इसमें जो स्टोरेज में इसमें कैश फाइल है 34 MB है और डाटा है 6 MB है, तो आपको कैश को क्लियर कर सकते हो एक एक करके। जैसे कैश को क्लियर किया और डाटा भी क्लियर कर सकते हो, इसमें डाटा भी क्लियर करके इसको MB आप कम कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बेस्ट मेरे को लगा, जैसे आप फाइल मैनेजर में जाते हो, ये हर एक ऐप को आप कैश क्लियर, डाटा क्लियर करके तो कर सकते हो, सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा, जैसे आप इंटरनल स्टोरेज से SD कार्ड में सारे ट्रांसफ़र कर दिया तो आपको इंटरनल स्टोरेज ओपन करना है और इसमें जितने सारे डाटा आप दिख रहे हो, जैसे एक को प्रेस करना है, जैसे अपने आपका डॉक्यूमेंट सारे चीज़ SD कार्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद जितने सारे आप ये देख रहे हो ना, जितने सारे सबको आप डिलीट करोगे एक साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरनल स्टोरेज स्पेस पूरा खाली हो जाएगा और आपका फ़ोन पहले जैसे हो जाएगा। तो ये एक वीडियो मैं बनाया एक जनरल पर्पज़ में, क्यों मेरा ये फ़ोन पूरा 64 GB पूरा फुल हो गया था, इसमें वीडियोस नहीं चल रहा था, कैमरा नहीं चल रहा, फ़ोन पूरा मतलब वो हो गया था, हैंग हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।